ये ऑडियो मैसेज की सूरत में मैं अपने वाट्सए ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स और प्रीमियम मेंबर्स के लिए सेंड करने लगा था लेकिन एक स्टूडेंट ने इंसिस्ट किए कि सर आप कैनवा एक दफ़ा ट्राई करें थंबनेल बनाएं जेंगो मैंगो से अपना कंटेंट पब्लिक करें क्योंकि मेरा सारा का सारा जितना भी कॉन्टेंट है ना उर्दू में होता है प्राइवेट होता है बिकॉज आई एम ए कोर्स सेलर जिस चीज़ से सबको चेड़ा है ठीक है तो ये जो मेरी टारगेट ऑडियंस है इसको रिसीव करने के लिए इट्स नॉट जनरल पब्लिक इट्स ओनली आवर स्टूडेंट्स एंड प्रीमियम मेम्बर्स और मैं वैसे ही कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ अब बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगी कि जी फाइनेंशियल ट्रेडिंग में लॉस लॉस क्यों कमाते हैं वैसे इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्रैग फ्रैगमेंट्स और फ्रैक्शन में ब्रेक करने लगाऊँ पार्ट वन ठीक है पार्ट वन ए पार्ट वन ए में क्या है जी रॉन्ग लॉट साइज़ लॉट साइज़ किसी को पता ही नहीं है एंटर होते हैं कोर्स ख़रीदने से स्पेंड करने से पेड प्रोग्राम से वैसे ही जान जाती है क्या ट्रेडिंग कैपिटल है स्टार्टिंग कैपिटल बैलेंस एक्विटी और उसके ऊपर क्या लॉट साइज़ आपने इस्तेमाल करना है उसको कैसे कैलकुलेट करने हैं किधर लगाना है वो ऑर्डर ठीक है ना सबसे पहली चीज़ जो है वो रॉन्ग लॉट साइज़ है दूसरी चीज़ चूँकि रॉन्ग लॉट साइज़ होती है दूसरी चीज़ क्या है जी ये आपका पार्ट वन बी है कि स्टॉप लॉस कितना लगाना है कहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा तो ना लॉट साइज का पता ना स्टॉप लॉस का पता और नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट वन सी रिस्क मैनेजमेंट का कोई इल्म नहीं मनी मैनेजमेंट का कोई इल्म नहीं अब इसको रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के बड़े ज़्यादा कैप्शन बना सकते हैं ये है वो है, इतने मुश्किल लफ्स नहीं है रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि जी अब मैं बताता हूँ होता क्या है मैं वजह बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर नहीं आते मिस्टेक क्या होती है मिस्टेक ये है बड़ी लॉट ली मार्केट फेवर में आई एक पॉइंट दो पॉइंट दस पॉइंट उठा लिए तालियां बजाएं जी ओ जी प्रॉफिट कमाया ये देखो मैंने प्रॉफिट बुक किया है एक डॉलर दो डॉलर पाँच डॉलर दस डॉलर सौ डॉलर वा एवरेज थ अच्छा एक दो डॉलर उठा रहे हैं जब ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना तो माइनस वन हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड फिर मार्केट क्लास तो आपकी लेगी तो तीसरा जो आपको पार्ट वन सी बताया ना वो है कि जी रिस्क मैनेजमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ना होना ये भी एक इम्पॉर्टेंट सबब है अब हम आए थे हैं पार्ट टू पे किसी को मैंने आज तक नहीं देखा कहीं पे भी और कोर्सेज में भी कि कोई आपको ये बोलता हो कि एक प्रोडक्ट पे फोकस करो एक फिक्स लॉट साइज के ऊपर फोकस करो और इतना परसेंट रिस्क पर ट्रेड लेना ऑफ कोर्स वो तो मैं बताऊंगा नहीं कि कितना परसेंट लेना ठीक है आई डोंट मेक इट लुक लाइक फाइनेंशियल एडवाइस लेकिन जो सबसे हार्ट है ना जो कोर है कि जिस ट्रेडिंग प्रोडक्ट में आप स्पेशलाइज फोकस करके चलने लगे हो ना उसकी एवरेज डेली प्राइस मूवमेंट क्या होती है ये किसी को भी नहीं पता जी चलो मैं यूरो डॉलर का सुने रोला डाला जी यूरो डॉलर द मोस्ट वॉलोटाइल फॉरेक्स पेयर है जी ये चलता रहता है इतिहाद है यूरोपियन यूनियन के अंदर यू you नो know, पोलैंड बलगारिया जर्मनी ये सब हैं तो इट्स अ स्ट्रॉग करेंसी ठीक है भाई स्ट्रांग करेंसी होगी नो no प्रॉब्लम लेकिन उसकी एवरेज डेली मूवमेंट क्या है किसी को नहीं पता वीकली एवरेज मूवमेंट क्या है किसी को भी नहीं पता डेली एवरेज मूवमेंट मंथली एवरेज मूवमेंट एनुअल एवरेज मूवमेंट जब आप एक प्रोडक्ट पे ध्यान दोगे ना कि कैसे वो मूव करता है उसकी मूवमेंट रोजमर्रा की ज़िंदगी में आपकी कितनी होती है वीकली मंथली क्वार्टरली एनुअली वट एवर इट इज़ आपको फिर इस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की पर्सनैलिटी की समझ आ जाती है कि अगर इसने कोई उल्टी हरकत की तो इसने ये करना है इधर तक मैक्सिमम जाएगा मिनिमम इधर तक जाएगा वहाँ से इसने रिवर्स हो जाना है फिर आपको ये भी पता लग जाता है कि अगर ये इतनी दूर गया तो इस लॉट साइज पे मुझे मार्केट क्या फड़का देगी मेरा अकाउंट उड़ उड़ जाएगा या मेरा अकाउंट कुछ परसेंटेज कुछ हिस्से जो है ना मनफी नतज में आ जाएगा तो ये कुछ चंद पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं तो अगेन ये सिर्फ बतौर टेस्ट वीडियो है कि वाई पीपल लूज़ इन ट्रेडिंग और हाँ अब हम पार्ट थ्री भी कर लेते हैं चलो अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है पसंद आ रही है ये ऑडियो आप कंटिन्यू करो नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करना ऐसी ट्रेडिंग ब्रोकर्स जिनके पास लाइसेंस है ना ही वो रेगुलेटेड है किसी उस मुल्क की सरकारी इदारे से पाकिस्तान में आपका एस सी सी पी है कोत में कैपिटल्स मार्केट अथॉरिटी ऑफ कोवत है दुबई में एसका वाले हैं सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ अथॉरिटी यूके में एफ सी फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी इस तरह इस तरह नेक्स्ट रीजन हमेशा उन दूस हमें क्योंकि यूजली हम देसी लोग है ना, mostly हैं ना मोस्टली पंजाबी वेलियाँ बैठ के खाने की आदत है ना परदेश से पैसे आ रहे हैं वो भी हमने अब्यूज़ करने हैं कोई एक्स्ट्रा पैसे दे गया वो भी अब यूज़ करने हैं तो भाई एक जो बैड हैबिट है वो है कि जी यार तू ट्रेड कर ले मैं तुझे पैसे देता तूने सीखा है तूने कोर्स किया तू करके दे नहीं वाई वाई डूच योर सेल्फ इतने कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग सीखी जा सकती है हाँ नेक्स्ट पार्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस लैक ऑफ प्रैक्टिस से क्या मराद है जी ट्रेडिंग सीख ली कोर्स ख़त्म हो गए पैसे डाल दिए नहीं जो चीज़ सीखी है जो तरीका सीख है उस चीज़ को तीन महीने छः महीने नौ महीने बारह महीने डेमो अकाउंट पे दबा के प्रैक्टिस करो रिज़ल्ट देखो एसेस करो हम लोग तो गलत ट्रेडें ले भी एक दो परसेंट तीन परसेंट ले लेते हैं मार्केट से महीने का मैं रोज़ का नहीं बोल रहा मैं डबल शाह ट्रिपल शाह क्वार्टर ट्रिपल शाह वाली मेरे पास नहीं हूं भाई मुझे नहीं पैसे डबल करने आते महीने दो महीने क्वार्टर के अंदर इला कभी कभी अगर अच्छा मार्केट ने परफॉर्म कर दिया तो दाड़ी लग गई नहीं तो नहीं तो ये चंद पॉइंट्स हैं मैंने आपने सर शेयर किया प्रॉपरली ट्रेड करना सीखें मेरे से सीखने मेरे से सीखने गोरे से सीखने ज़्यादा पैसे देखे हजारों डॉलर की गोरे से कहीं जस्ट लुक फॉर अ प्रॉपर ट्रेनर और हाँ ये बात तो है नाइन्टी नाइन परसेंट जो है ना बॉलीवुड फिल्म ही होते हैं ट्रेनर भी हमारे सेक्टर और इंडस्ट्री के अंदर ओके तो अब ये फैक्ट है ट्रेड करने सीखने के बाद लेकिन तीन से छः महीने आपने डेमो पे ही लेना है डेमो प्रोसेस के दौरान अगर आपने कोई स्ट्रैटी और टेक्निक को चेंज किया आपकी मेहनत बढ़ गई ठीक है आपको अगर आपने बीच में अगर दो महीने स्ट्रैटेजी की है अब आपने कोई स्ट्रैटेजी में चेंजेस की ना इसका मतलब आपको तीन महीने और देने पड़ेंगे तो आई होप दिस ऑडियो मैसेज हेल्प्स आई होप आपसे उसको कुछ वैल्यू मिली है अब ट्रस्ट मी मैं वैसा कोई बंदा नहीं है जो आपको कहेगा कि जी थम्स अप का बटन दें सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें आई एम नॉट लाइक दैट सो इन्जॉय हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड डू नॉट इन्वेस्ट मनी यू कैनोट अफोर्ड टू लूज एट ऑल फाइनेंशियल ट्रेडिंग इज रिस्की ये आपको ऐसा कुट लगाएगी ना अगर आप बग़ैर नो हाउस के इस मार्केट में एंटर हो गए और ऐसे पैसे जो आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप याद करोगे याद क्या करोगे आप फिर इस फील्ड को बदनाम कर देते हो वो मनु लुट लिया वो ब्रोकर ने दिहाड़ी लगा ली उन्हें एंज करता मार्केट में रेड कैंडल आ गई मैं लगाता हूँ आपको समझ होती नहीं है आप बढ़ जाते हो फिर आपको फिर लग जाते हैं सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अंटिल नेक्स्ट वीडियो जी अल्लाह हाफ टेक केयर एंड बाय बाय